बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से आज पहले फेज के नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। एनडीए में एलजेपी को लेकर पेंच फंसा हुआ तो महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के ऑफर से नाखुश है। सीट शेयरिंग पर सिंबल देने की तैयारी में कांग्रेस आरजेडी के ऑफर के बाद कांग्रेस की नाराजगी की खबर किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बिहार के नेताओं को दिल्ली तलब किया और उसके बाद मीटिंग का दौर चालू है। अंदरखाने से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने यहां फाइनल कर दिया है कि वो अपने सीट पर सिंबल उम्मीदवारों को उतार सकती है और ये फैसला फाइनल है। इसको लेकर दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला कर दिया गया। मंगलवार से दिल्ली में मंथन का दौर चालू है। इस बैठक में शक्ति सिंह गोहिल, अजय कपूर, वीरेंद्र राठौर, मदन मोहन झा और सदानंद सिंह मौजूद हैं। गौरतलब है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर राड थमता नजर नहीं आ रहा। आरजेडी ने कांग्रेस को 55 सीटों का ऑफर दिया, जिसे कांग्रेस ने साफ तौर पर ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने इस रुख के बाद अब आरजेडी के भी तेवर तल्ख हो गए हैं और आरजेडी की तरफ से यह बयान आया कि कांग्रेस को यह ऑफर मंजूर है तो ठीक है, वरना वो अपना रास्ता देख सकते हैं। उधर कांग्रेस ने भी सीएम फेस को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अब खबर है कि आरजेडी ने पहले फेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं और बताया तो यह जा रहा है कि भोला यादव लालू यादव से मिलकर सिंबल पर साइन करवाकर भी लौट आए हैं। इधर अब खबर है कि कांग्रेस सीटिंग सीट पर सिंबल बांटने जा रही है। ऐसे में महागठबंधन की दशा और दिशा क्या होगी, इसको लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं।